इंसान तकब्बुर के गुरूर के दलदल में फंसता जाए तो वो कैसे रहमत इलाही के दरिया से सैराब हो सकता है। अगर इंसान दूसरों को माफ नहीं करना चाहेगा तो वो कैसे खुदा से अफ़ व बख्शिश की उम्मीद रख सकता है। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो बहुत बार ऐसा होता है कि शौहर और बीवी के रिश्ते में ये होता है कि मैं क्यों झुकूं, सामने वाला क्यों ना झुके। लेकिन ये बहुत गलत है। अगर हम चाहते हैं कि खुदा की रजायत हासिल करें तो झुक जाएं, क्योंकि खुदावंद आलम उसको उठाता है जो झुकता है। हदीस में है कि अगर बीवी अपने शौहर के लिए ये कहे कि मैंने तुम्हारी तरफ से कोई अच्छाई नहीं देखी, तो खुदावंद आलम उसकी नमाज को कबूल नहीं फरमाता। इस वजह से बहुत जरूरी है कि अगर हम अपनी शादीशुदा जिंदगी को खुशगवार बनाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को जन्नत बनाना चाहते हैं, तो एक दूसरे को माफ करें और एक दूसरे से बहुत मोहब्बत भरे अंदाज से पेश आए, खुश अखलाकी से पेश आए। या ज़हरा, या ज़हरा।